आज मैं आपको गूगल डिस्कवर के बारे में बताऊंगा, गूगल डिस्कवर के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा, अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक दिखाऊंगा गूगल डिस्कवर से, उसके बाद ये बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइटें चल रही है, फिर उसके बाद आपको लाइव गूगल डिस्कवर का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद सीक्रेट्स बताऊंगा कि आखिर वो कैसे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा लाइक करके। बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि मेरी वेबसाइट का नाम hindiwar.com है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये पिछले 3 मंथ्स का डेटा है और ये सिर्फ वेब का डेटा है, अब मैं डिस्कवर का भी दिखाने वाला हूँ। अभी मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये देख सकें कि मंथली लाखों का ट्रैफिक आ रहा है इसके ऊपर। अब मैं उसके बाद आपको डिस्कवर का ट्रैफिक दिखाता हूँ। अभी इस पर डिस्कवर का ट्रैफिक, डिस्कवर में मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैं सिर्फ नॉर्मल जो कर रखा है वो कर रखा है, छोड़ रखा है। जो मेरी अलग वेबसाइट है मैं उस पर डिस्कवर पे काम करता हूँ, उसके बारे में इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लोग अटैक वगैरह करवा के उसको बंद करवा देते हैं और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हमेशा सत्यानाश पीट देते हैं, तो इसलिए उसको तो नहीं दिखाऊंगा। बट इसी में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें भी मैं ट्रैफिक कैसे लाया, और मैं लास्ट 12 मंथ का दिखाता हूँ कि कितना मैं ट्रैफिक लेकर आया हूँ उस पर डिस्कवर से और कितना ट्रैफिक इसके ऊपर आया है। सब डेटा रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको, रिफ्रेश करके ये आ गया है सामने डेटा कि 2.51 मिलियन का इम्प्रेशन और 15,000 का क्लिक्स। एवरेज CTR देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब है। मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे इम्प्रूव करना है, मैंने क्या गलती करी थी इसके ऊपर जो मेरा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो मेरी अलग वेबसाइट है उसका भी मैं डेटा दिखाऊंगा लेकिन बाद में। अभी मैं ये आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से डिस्कवर काम करता है और जो नॉर्मल भी ट्रैफिक आया वो कैसे आया, और नॉर्मल जैसे कि डिस्कवर ऑन करने के लिए लोग सोचते हैं कि डिस्कवर ऑन कैसे करें, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ से शुरू करते हैं कि गूगल डिस्कवर ऑन कैसे करना है। तो hindiwar.com जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ एक बार, सबसे पहले तो मैं आपको ये डेटा दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट का कि 2-3 मिलियन से ऊपर ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आज तक आ चुका है, मतलब 3.6 मिलियन आप नीचे देख सकते हैं उतना ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ चुका है। तो ये तो समझ लीजिए कि ट्रैफिक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी वेबसाइट पे अगर डिस्कवर ऑन करना है। तो इसे हम खोल लेंगे अपनी वेबसाइट को, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे बड़ी इसमें चीज़ क्या है कि जिससे ट्रैफिक आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण है, कहानी संग्रह है और सुविचार संग्रह है। इसमें सुविचार जो है वो सबसे बड़ा रोल करता है इसमें डिस्कवर में जाने का। सुविचार में इमेजेस होती हैं और लोग गुड मॉर्निंग इमेजेस ये सब सर्च करते हैं अपने मोबाइल पे, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट का ये जो सुविचार संग्रह से है वो गया है। अभी मैं आपको कीवर्ड्स भी दिखाया था नीचे ले आके, ये आप देख सकते हैं कि अनमोल वचन आप देख सकते हैं कि 9000 से ऊपर क्लिक आया है। और अगर मैं इसी को खोल के दिखाऊँ रेफरेंस के लिए इसके अंदर क्या है, लोग आखिर क्यों इसको क्लिक करके गए, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या था, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तब भी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन हृदय और वचन से स्वच्छ हो। तो ये जो थंबनेल है ये उसके ऊपर गया होगा डिस्कवर के ऊपर, या तो ये गया होगा या फिर जो नीचे जो मैंने बड़ी थंबनेल्स डाल रखी हैं वो गया होगा, जो 1200x600 वाली होती है तो वो गई होगी, जिसकी वजह से डिस्कवर से ट्रैफिक आया। तो आपको मेन मुद्दा क्या समझना है, मेन मुद्दा ये है कि अपने जो पोस्ट है उसके अंदर इमेजेस लगानी है, और इमेजेस ऐसी होनी चाहिए जो लोग सर्च करते हों, जैसे सुविचार लोग सर्च करते होंगे अपने मोबाइल में जिसकी वजह से इतना आया, हालांकि उतना भी नहीं करते होंगे जिसकी वजह से बहुत कम आया, वरना मिलियंस में ट्रैफिक गूगल डिस्कवर में आता है, डिस्कवर में मिलियंस का ट्रैफिक आता है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रैफिक किस प्रकार से लाया जाता है, सिर्फ पोस्ट डालने से काम नहीं होता, सिर्फ डालने के बाद क्या क्या करना पड़ता है वही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गूगल डिस्कवर का एक्सपीरियंस। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल पे जाऊंगा और अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लूँगा, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। तो देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर करूँगा, आप मतलब लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पड़ेगा मेरा, तो लेफ़्ट साइड मैंने किया तो गूगल डिस्कवर मेरा आ गया है। अब ये सबसे पहले ऊपर जाते हैं, देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले धर्म संस्कार, ये नॉर्मल वेबसाइट है, इसे न्यूज़ वेबसाइट में समझिए, कोई बड़ी वेबसाइट में समझिए, नॉर्मल वेबसाइट है ये। इसे क्लिक करके दिखाता हूँ थंबनेल, सबसे पहले थंबनेल तो आप देखिए इसका, ये देखिए ये पुश नोटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पुश नोटिफिकेशन को मत मिस करिएगा, इसी से आपका वो बनेगा। मैं आपको अपना एक बार दिखाता हूँ पुश नोटिफिकेशन का कि मैंने कितने सब्सक्राइबर्स इकट्ठा कर रखे हैं, ये देख सकते हैं निशांत कुमार। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, मैं आपको कंपनी का नाम नहीं दिखाऊंगा वरना बेमतलब का एडवर्टाइज़ हो जाएगा कि किस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ये देखिए, सॉरी सब्सक्राइबर देखिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 11 लाख के करीब है, 11,14,000, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर बात न करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ वापस। तो अब वापस आ जाते हैं मोबाइल पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं लेटर कर दूँगा, मुझे इनके नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए थंबनेल,
दो बात बताना चाहता हूँ आपको, टाइटल और थंबनेल कभी गलत मत डालिएगा। टाइटल थंबनेल जो रखिएगा वो पोस्ट में भी रखिएगा, ठीक है। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि डिस्कवर में आने के बाद आपने टाइटल चेंज कर दिया, थंबनेल चेंज कर दिया। थंबनेल और ये दोनों सेम होना चाहिए, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है डिस्कवर में आने के बावजूद भी, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें आपको जो चीज़ आप लिखोगे ऊपर, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि 14 करोड़ मिलेंगे ये वो, तो इसको आपको अपने उसमें डालना है, भले ये फेक हो लेकिन आपको इसमें डालना है। मैं तो ये कहूँगा कि फेक काम ना करें, बट अगर आप ये डालते भी हैं तो भी इसको इसमें ज़रूर डालें, क्या कहते हैं अपने इसमें पैराग्राफ में, और हो सके तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही डालें उस चीज़ को। उसके बाद देखें कि जून 3, इसका मतलब कि आज ही डला है जून 3। आप देख सकते हैं अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, 4 जून हो गया है, रात का 1 बज रहा है, देख सकते हैं 4 जून मैं रात को बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं कि 6:26 पर डाला गया है शाम को, और अभी ये गूगल डिस्कवर में रैंक कर रहा है और इससे ट्रैफिक आ रहा है। मैंने क्लिक किया तो भी ट्रैफिक देख सकते हैं, इस तरीके से लोग क्लिक करके जा रहे होंगे। तो देख सकते हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है, इन्होंने पता नहीं किसका इस्तेमाल कर रखा है एडवर्टाइजमेंट का, हो सकता है इनका एडसेंस वो हो गया हो या फिर जो भी एडसेंस का ही ऐड हो। देख सकते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट है, कितना बड़ा आर्टिकल लिखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल आर्टिकल लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, अभी मैं आपको 5 ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा कि जो बहुत ज़्यादा इसमें, अभी मैं आपको 5 ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिले डिस्कवर में, तो उन 5 वेबसाइट्स को मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आगे, गूगल डिस्कवर का ये एक्सपीरियंस आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। गूगल डिस्कवर का ये एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, फिर आप देख सकते हैं जी न्यूज़ आ रहा है, IBC24 आ रहा है, तो ये सब बड़ी है, जानते हैं आप। तो नौकरी अड्डा भी बड़ा ही है, आप जानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद मेरी कहानियाँ, तो मेरी कहानियाँ को याद रखिएगा, उस 5 में से एक है ये, MeriKahaniyan.com है ये वेबसाइट का नाम, और ये इस तरीके से करके बहुत ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे पहले मोबाइल पे दिखा रहा हूँ, उसका जब मोबाइल का काम खत्म हो जाएगा उसका लैपटॉप पे आपको दिखाऊंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो बहुत कुछ लैपटॉप की स्क्रीन पे आने वाला है, तो अभी वीडियो में बने रहिए। तो ये देख सकते हैं, और मैं नीचे करते हुए दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखा रहा हूँ एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या आ रहा है, मैं क्या सर्च करता हूँ और क्या आ रहा होगा। मैं ये सब सर्च भी नहीं करता, कॉइन नोट्स ये सब, तब भी जो दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं इसके ऊपर कितना ज़्यादा क्लिक आता होगा कि मुझे भी दिखा रहा है, क्योंकि डिस्कवर मैं इस्तेमाल ही नहीं करता अपने मोबाइल में, और सर्च भी करता हूँ तो ये ChatGPT वगैरह यूज़ AI वगैरह देखता हूँ, तो इससे रिलेटेड कंटेंट मेरे को आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के लिए है कि एक ब्लॉगर के डिस्कवर में क्या आता होगा, तो ये आपको एक्सपीरियंस के लिए दिखा रहा हूँ, ये कोई नहीं दिखाता है। उसके बाद देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है, उसके बाद ये सब है, फिर देख सकते हैं जागरण जोश है, फिर क्या कहते हैं सर्च इंजन ये है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर News18, तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ज़्यादा हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स भी हैं लेकिन बीच बीच में आती हैं, फिर ये है, फिर ये है, ये वेब स्टोरी है, फिर ABP न्यूज़ है, जागरण जोश है, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट सब आ रही हैं। अभी तक नॉर्मल वेबसाइट कुछ ही देखने को मिली है ऊपर में, और वो ऊपर में ही देखने को मिल गई, उसके बाद देखने को नहीं मिली है। फिर से मैं इसको गलती से क्लिक कर दिया था, CNN हिंदुस्तान, ये देख सकते हैं चाणक्य का करके लोग वेब स्टोरी बना रहे हैं और चल रहा है वो खूब, जो इसके ऊपर क्लिक आ रहा है। उसके बाद India TV, Phone Arena.com बड़ी वेबसाइट है, सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं ये, तो छोटी वेबसाइट्स ऊपर में ही आई। फिर वियन ये भी बड़ी लग रही है, बड़ी वेबसाइट है, ABP न्यूज़ बड़ी है, सारी बड़ी वेबसाइट्स, और ये पूरा नीचे तक आ रहा है। अरे कश्मीर लाइफ ये छोटी वेबसाइट है, ठीक है। ये भी क्या दिखा रहा है कि जो है रूमर्स ऑफ इन्फीरियर गोल्ड कॉइन्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो गोल्ड वोल्ड से रिलेटेड बहुत चल रहा है। अभी मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक्स भी चल रहे हैं, उसको भी मैं आगे कवर करता हूँ, बट ये आपका टोटल आ गया। और मोर स्टोरीज़ पर क्लिक करेंगे तो मोर स्टोरीज़ पर आप इस तरीके से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मोर स्टोरीज़ पर क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। तो ये हो गया, मैं इसको बंद करता हूँ। तो मोबाइल का काम हो चुका है, ये मैंने आपको बेसिकली एक्सपीरियंस दिखाया कि गूगल डिस्कवर का एक्सपीरियंस कैसा होता है। अब मैं आपको उन 5 वेबसाइट्स के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि ट्रैफिक कैसे लाया जाता है, ट्रैफिक कैसे आता है, और ये भी प्रूफ दिखाऊँगा कि किस प्रकार से लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं उन 5 वेबसाइट्स को, मैं यहाँ ले चलूँगा आपको इसमें। और सबसे पहली वेबसाइट जो है यहाँ पर, उसका नाम है ये BSEB जानकारी, बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिली है, और इस तरीके से इनका नोटिफिकेशन आता है, तो एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस ज्वाइन करनी पड़ेगी, जैसे कि वन सिग्नल होता है, ये सब होता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे अपने आप को रेफ़र कर सकते हैं, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको टेलीग्राम पे रेफ़र कर सकते हैं, कि आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो है आप उनको वो कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे ग्रुप दिखा देता हूँ जो ये काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं सरकारी जॉब करके ये ग्रुप है जो काम कर रहे हैं,
और इनका जो इनका नाम है spcputter.org, और ये देख सकते हैं कि मैंने उन पांच वेबसाइट जो बनाई है लिस्ट, उसमें से तीसरी वेबसाइट यही थी spcputter। तो आप देख सकते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कर रखा है। इन्होंने अपना 120,000 का इन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, और उसके बाद इस तरीके से डेली भेज भेज के लोगों को अपने उसमें लाते हैं। ठीक है, तो ये सीक्रेट चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, आखिर क्या टेक्निक चल रही है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कोई पुश नोटिफिकेशन सर्विस या फिर कुछ टेलीग्राम लिंक वगैरह आपको डालनी पड़ेगी और सब्सक्राइबर्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं BSEB जानकारी, इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें आप आगे देख सकते हैं किस तरीके से ये थंबनेल बना रहे हैं, किस तरीके से टाइटल्स डाल रहे हैं, इससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ओल्डर पोस्ट वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बेसिक जानकारी चाहिए और इनके बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके बाद आप साइट मैप टाइप करेंगे, sitemap.xml। ये बहुत सारे वेबसाइट्स का अवेलेबल नहीं होता, बट जिसका अवेलेबल होता है आप उसका कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कि वो किस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा होगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, sitemap.xml, नहीं तो sitemap_index.xml में मिल जाएगा, इसका साइट मैप में ही मिल गया। ठीक है, तो पोस्ट में जाके आप देख सकते हैं इन्होंने कितने पोस्ट लिखे हैं, तो 217 पोस्ट लिखे हैं, और 217 पोस्ट में ही तबाही मचा रहे हैं, अच्छा खासा जो ट्रैफिक लेके आ रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। दूसरी वेबसाइट myMutualFund.org, तो ये क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के नाम पर लोगों को क्लिक करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर लेके आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा गलत काम सही काम जो भी है, बट ये है कि अच्छा खासा ट्रैफिक उठा रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी वेबसाइट है उसका नाम है sbnews.in, इसका काम भी यही है, न्यूज़ लिखना और कुछ क्लिकेबल थंबनेल बनाना और इस तरीके से करना। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो भी है इनका है। ठीक है, अपने उस पर लेके आते हैं। इनका तो मैंने आपको बताया कि क्या फंडा चल रहा है, ये देख सकते हैं टेलीग्राम से जुड़े, अगर आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आपको सीधा अपने टेलीग्राम पर ले आएगा, देख सकते हैं। और मैं जो दिखाया ग्रुप वही मैंने ज्वाइन कर रखा है, इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए ज्वाइन किया हूँ कि क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप व्यू इन टेलीग्राम कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पांचवी वेबसाइट है मेरी कहानियाँ। ठीक है, ये बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं, मतलब मैं ये नहीं उस पर वो नहीं करूँगा कॉमेंट कि क्या है क्या नहीं है, बट ये सब उल्टे सीधे मतलब इस तरीके से करके ही मतलब वो करते हैं, क्या कहते हैं, क्लिक लेकर आते हैं जो भी है, और इस तरीके से अपनी वेबसाइट का एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। तो ये पाँच वेबसाइट हो गई, मैंने पाँच वेबसाइट आपको दिखा दी। तो इस पांच वेबसाइट से आपको क्या देखने को मिला कि किस प्रकार से लोग डिस्कवर पर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, और जो भी जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने उस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने ये पोस्ट नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर्स इतने सारे इकट्ठा क्यों किए, इसका बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसको अपने वेबसाइट पर लिखने के बाद, इंडेक्स करवाने के बाद, जैसे कि आप रैंक मैथ इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट वो इंडेक्स करने के लिए या कोई भी कुछ करते हैं, मतलब एक बार वो होने के बाद, गूगल में सबमिट होने के बाद, आपको उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आना है, इनिशियल ट्रैफिक लेकर आना है। इनिशियल ट्रैफिक कैसे लेकर आ सकते हैं, या तो इनकी तरह आप क्या करिए कि इस तरीके से ग्रुप बना लीजिए और इसमें लिंक पोस्ट करिए, तो 120,000 है, तो 10% भी हम मान के चलते हैं, तो 12,000 लोगों ने क्लिक किया। 12,000 की भी ज़रूरत नहीं है, 100-150 लोगों ने भी क्लिक कर दिया ना, तो डिस्कवर में आने के चांसेस बढ़े आते हैं। अपने वेबसाइट पर आप इनिशियल ट्रैफिक लेकर आते हैं तो ये आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आप उसको रैंक कर पाएँ। जब आप इनिशियल ट्रैफिक लेकर आते हैं तो आप गूगल में आसानी से रैंक कर पाते हैं डिस्कवर में, और आपका थंबनेल्स बहुत लोगों को शो किया जाता है। जब बहुत लोगों को 100 लोगों को मान लीजिए शो किया गया, उसमें से 10 लोगों ने भी क्लिक कर दिया और 10% आपका एवरेज CTR रहा, तो वो आपका वेबसाइट क्या कहते हैं बहुत ज़बरदस्त बूस्ट हो जाएगा। और इसी के अराउंड CTR रहता है, कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा CTR चाहिए, जितना नॉर्मल भी CTR रहेगा सही रहेगा, बस ये कि आपका क्लिकेबल होना चाहिए और लोग क्लिक करने चाहिए। और इस तरीके से थंबनेल बनाई जो मैंने आपको दिखाया ओवरऑल कि किस तरीके से थंबनेल बनता है, क्या होता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि थंबनेल किस तरीके से बनाना है, मैं आपको एक कैनवा पे लेके चलता हूँ। इसका जो साइज़ है वो 1200x688 है, तो मतलब 1200 इसकी विड्थ होनी चाहिए, विड्थ 1200 करीब होनी चाहिए, और हाइट 688 भी चलेगी, नहीं तो आप यूट्यूब थंबनेल भी कर सकते हैं। कैनवा में आने के बाद आपको क्रिएटर डिज़ाइन करना है, और क्रिएटर डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल दिखाई देगा। उस YouTube थंबनेल पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस साइज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा रिड्यूस करके 688 कर सकते हैं 720 को, नहीं तो ये अभी आपका चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। और 1280 को भी आप 1280 दिखा रहा है तो इसको 1200 कर लीजिएगा। तो ये करने के बाद आपको आसानी से आपका वो इमेज बन जाएगा, और उस इमेज को ही आपको फीचर्ड इमेज में यूज़ करना है, अपने ब्लॉग पोस्ट में डालना है, तो इससे आपकी वेबसाइट का जो चांसेस है डिस्कवर में आने का बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ हो गई कि वो चाहिए आपको ट्रैफिक चाहिए, दूसरा ये है कि आपको कम से कम 300-400 वर्ड लिखने हैं, 300-400 वर्ड लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। 300-400 वर्ड लिखिए और उसके अंदर जो डिटेल्स डालने की कोशिश करिए, और हो सके तो गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले लीजिए,
और उसको थोड़ा सा न्यूज़ वेबसाइट में मोड़ने की कोशिश करिए। न्यूज़ वेबसाइट में अगर आप मोड़ेंगे तो अगर कोई आपके उस थंबनेल पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद बाय द वे आपके होम पेज पर जाता है तो होम पेज पर भी उसको कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिखने चाहिए जिसके ऊपर वो क्लिक करें। इससे यह कि गूगल को ये लगेगा कि हाँ आपकी वेबसाइट मज़ेदार है, एंगेजिंग है, तो उसको और प्रमोट करेगा। तो न्यूज़ वेबसाइट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो बहुत सारे माइक्रो निश होते हैं जिसके ऊपर लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे आप जाके उसमें एस्ट्रोलॉजी ये सब लगा सकते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिक आता है। तो इस तरीके से न्यूज़ वेबसाइट बनाइए जिसके ऊपर बहुत क्लिक आए, ठीक है, और उससे अर्निंग बहुत हो सकती है। लोग यही चीज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से मिलियंस में ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। जो भी आपने अभी तक यूट्यूब पर देखा होगा उसी तरीके से ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 फेमस जो डिस्कवर पर चल रहा है कि जो कौन कौन सा जो है फेमस चल रहा है। सबसे पहले तो ये सिक्के वाला बहुत चल रहा है, सेल ओल्ड कॉइन्स। पता नहीं इसमें लोगों को क्या मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट सेल ओल्ड कॉइन्स और सेल ओल्ड नोट्स इस तरीके से करके बहुत चल रहा है, ठीक है। ये पहले नंबर पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरे नंबर पे मैंने देखा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रही है। एस्ट्रोलॉजी मतलब कि आज आपका दिन कैसा रहेगा जाने, ठीक है, इस तरीके से आपको क्लिकेबल थंबनेल बनाना है और ये सब चीज़ें बनानी है। तीसरी है गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड प्राइजेज़ का मतलब ये है कि आज का गोल्ड प्राइजेज क्या है, या प्राइजेज धड़ाम हो गए या प्राइजेज गिर गए, प्राइजेज बढ़ गए, इस तरीके से लोगों को आप सरप्राइज करके उनसे क्लिक निकलवा सकते हैं कि सोने का दाम हुआ सस्ता या जो भी है, इस तरीके से करके आप क्लिकेबल थंबनेल बनाइए। चौथा जो चल रहा है वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड मैंने देखा है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड आप जरूर डालिए, उसमें भी बहुत चांसेस है। मैंने दिखाया आपको माय म्यूचुअल फंड इस तरीके से, तो लोग उसके ऊपर भी बहुत क्लिक कर रहे हैं। पांचवा जो है जो और भी बढ़िया चल रहा है वो गवर्नमेंट योजना, जैसे सिलाई मशीन योजना, या इस तरीके से आप क्लिक करवा सकते हैं लोगों से कि जो है सिलाई मशीन योजना आ गई है, या प्रधानमंत्री ने और कोई नई योजना निकाली है, अब हर कोई कमा पाएगा पैसे, इस तरीके से करके आप लोगों से क्लिक करवा सकते हैं या जो भी क्लिकेबल थंबनेल बना सकते हैं और उसमें कुछ जेन्युइन जानकारी डाल सकते हैं, नहीं तो जो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एक बार लाने के बाद उनको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनको कन्वर्ट करिए अपने सब्सक्राइबर में, नहीं तो उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए अपने पुश नोटिफिकेशन उसमें और या फिर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइबर में। इससे ये होगा कि उसको बार बार आप भेज सकते हैं और ट्रैफिक ला ला के अपने उसको पोस्ट को गूगल में रैंक कर सकते हैं। तो इसमें आपको गूगल में रैंक करने की जरूरत नहीं, आपको डिस्कवर में रैंक करना है। डिस्कवर में रैंक करने के लिए ट्रैफिक चाहिए और वो आपको सब्सक्राइबर्स या वैसे मिलेगा, ठीक है। तो इतना कुछ समझने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि डिस्कवर किस तरीके से काम करता है और डिस्कवर किस तरीके से वर्क सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप नॉर्मल चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं एनके टेक गाइड, इस वाले पे, इस पर मैं कीवर्ड्स वगैरह की लिस्ट डालता रहता हूँ, तो कीवर्ड्स वगैरह की लिस्ट मैं इसमें डाल दूंगा। बाकी आप मेरा ये इंस्टाग्राम का चैनल है, इस पर ज़रूर ज्वाइन करिए, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन या सवाल पूछ सकते हैं, जो भी अपनी चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं, मैं वो आंसर करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने विचार नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखिए और क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।